इस फिल्म में जैकलीन को एक बीमारी हो जाती है, क्लेप्टोमेनिया, जिसके तहत ये ना चाहते हुए भी चीजें चुराती हैं। तो इज इट द रीजन यू हैव स्टॉल माई हार्ट जैकी? खड़े क्यों, आप बैठिए ना, इधर आइए, बैठते ही सारे बैठिए। बाल खींच लो, ये मत खींचो, क्योंकि ये खींचोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जानी है। मैंने इसके नीचे कोई वेयर नहीं होता। जी, हाँ? ये सेट थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है। क्यों? कुछ बदल गया है कुछ चीजें, बट कपिल का है। अरे कपिल, यू सॉ कपिल? नहीं, हम लोग तो गुरु, सेट नहीं बदला, चैनल भी बदल गए हैं। अच्छा, चैनल भी बदल गया। नहीं, ये भी बहुत अच्छा है, मुझे काफी पसंद है ये। क्योंकि हम लोग फिल्म में क्रिकेटर को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे कपिल को भी ढूंढो। हाँ यार, ये सोनी चैनल का यही प्रॉब्लम है। अभी सीआईडी को देख लो, कब से क्रिमिनल्स को ढूंढ ही रहे, ढूंढ ही रहे। जवानी से बुढ़ापे पर आ गए, पर क्या करें। कपिल, अरे हम लोग आए इसलिए कपिल नहीं आया। अगर लड़की आती ना तो ईद मुबारक, ईद मुबारक करते रहता वो। अरे अरे, लेकिन जॉन मुझे पहले बोल देते ना, मैं साड़ी पहन के आ जाता कपिल के लिए। लेकिन तू क्या साड़ी पहनेगा, यहाँ पे इतने साड़ी पहनने वाले लोग हैं। वो भी करेक्ट है, सही, बिल्कुल सही। लेकिन है कहाँ वो? हाँ, बट कपिल, कपिल, कपिल कहाँ है ये शर्मीला इंसान? कपिल, इधर उप्पा जी। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए वरुण धवन एंड जॉन अब्राहम का। ये तू कहाँ कपिल है, इतना छोटा कपिल बचपन में भी नहीं दिखता। अरे सर, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसे छोटा बनकर ही रहना चाहिए। खैर वो सब छोड़िए, जैकलीन आंटी कहाँ है, वो नहीं आई? आंटी, काई की आंटी, तुझे जैकलीन आंटी लगती है? अरे जितना छोटा बन के रहो उतना प्यार आता है। ये बात है, आजा जॉन, जरा कुर्सी दे। कुर्सी? हाँ। कपिल पाजी, करते तेरे साथ क्वेश्चन आंसर। आजा कपिल। हाँ कपिल बोलो। तो सबसे पहला सवाल वरुण जी आपसे। ठीक है, ये मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल है। मुर्गा बनने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जिसमें पैरों का दर्द कम हो? हाँ हाँ, ये वरुण तू ही बता सकता है। नहीं, पर मैं एक्चुअली कभी मुर्गा बना नहीं हूँ। वो लगता है कभी आप स्कूल गए नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब जॉन जी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पूछो। ये ताजमहल कहाँ मिलता है? आगरा में। आगरा में, वो मुझे लगा तो वो तो खिलौने की दुकान में मिलता है। कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से। 73 में से 29 निकालने पर कितना बचेगा? 44। और वाह वाह, तुम करेक्ट आंसर। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। चलो भाई, मेरा काम तो हो गया। ये क्या है? वो खा लेना, बड़ा पाव मिलेगा बाहर। इतने बुरे दिन आ गए हमारे। Nice to meet you. Nice meeting you, buddy. Also nice to meet you. फिर मिलेंगे? जरूर जरूर जरूर। Okay sir, bye. Have a nice day for you. वरुण, ये कैसा शो है? पता नहीं यार, बच्चे भी उल्लू बना के जाते हैं यार। चैनल बदल गया, ये रवैया भी बदल गया इधर। मेरे को लगता है मैं ही टेक ओवर कर लेता हूँ। So anyway, मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं पैदा हुआ था भिंडी बाजार के अगल में, लेकिन जवानी आई बुर्ज खलीफा के बगल में। मैं कमाता हूँ धर्म में, लेकिन खर्चता हूँ रुपए में। मैं खाता हूँ उनकी, लेकिन सुनता हूँ सिर्फ मोदी जी। अरे अच्छा, ये सब छोड़, अभी कपिल का है। अरे
कपिल कपू हाय गाइस हाय हाउ आर यू कपिल हाय गाइस हाउ आर यू गाइस कपिल ये क्या यार हम लोग कब से आके वेट कर रहे हैं आपका और आप मतलब कहाँ चले गए शो हिट हो गया मुझे पता है वो तो आप हिट देते रहते हो बट इसका ये मतलब नहीं यू कैन मेक अस वेट लाइक दैट कपिल और जैकलीन आंटी को सॉरी जैकलीन को आप लेके आए वो कहाँ है वो लड़का वो खजूर बोल के गया खजूर हमको खजूर खिला के गया बट कपिल व्हाट इज दिस बिहेवियर अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है वी आर जस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड नथिंग एल्स आई मीन कम डाउन मैं सवाल पूछता हूँ यार मैं सवाल पूछता हूँ गुलाब अच्छा है सागर अच्छा है या जाम अच्छा नहीं सुनो गुलाब अच्छा है सागर अच्छा है या जाम अच्छा है आपकी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है यहां दोनों हीरो फटक रहे हैं आपकी तलाश में और तू हीरोइन को ले आया कपिल यार तेरा काम अच्छा है या इट डिपेंड्स समटाइम्स इट हैपेंस लेकिन तू ये बता हर बार मेरी गाड़ी ले जाता है कंधा मेरा बंदूक तू चलाता रहता है क्या मतलब मिल बांट के आपने कौन सा किसी को बिठाना आता है कोई बात नहीं एक बार वरुण के लिए जोरदार तालियां जॉन के लिए जोरदार तालियां और जैकलिन के जोरदार तालियां आइए जैकलिन जॉन वरुण प्लीज जैकलिन वे यू वॉन्ट टू सिट बेबी बीच में अच्छा पहले और यहाँ पे मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे मेरा तो बस चले तो मैं कहूँ आप पाकिस्तानी चले जाओ यू नो हाउ रूड कपिल ये वी वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव मी एंड जैकी या प्लीज हैव अ सीट ब्रो अच्छा ये टूटेगा तो नहीं ना नहीं नहीं अच्छा कुर्सी की भी जान ही निकली पड़ी यार जॉन बैठा वैसे जब सिद्धू पाजी शेर मार रहे थे जैकलिन के लिए जैकलिन इतनी खुश हो रही थी ऐसे नहा रही थी ओह माय गॉड ओह माय गॉड ये क्या व्हाट इज दिस दिस इज द वे टू गेट हैप्पी जैकलिन आप आपको पता चला सिद्धू पाजी ने आपको क्या कहा कुछ शहर नो कुछ मैंने आपको जलंधर पटियाला नहीं कहा मोहतरमा मैंने आपकी तारीफ की इज मैरिड हां बाय द वे नहीं नो नॉट मैरिड No, I'm not. No, I'm not. तो तीन हफ्ते पहले जो अपने आप को मिसेस सिद्धू कह रही थी वो कौन थी? मेरी वो मेरी कजन वाइफ थी. बिगड़ जाते हैं बड़े बड़े हुस्न को देखकर. आगे लाइन जैसे ही बनेगी मैं सुनाऊंगा जरूर. अच्छा मैंने डिशुम का ट्रेलर देखा जॉन आप वरुण ये दोनों भरपूर एक्शन कर रहे हैं और चलो इनको सूट भी करता है बट यू आर डूइंग इन एक्शन फिल्म जैकी आई आल्सो लाइक टू यू नो बीट अप गाइस इस दिन टाइम निकाल के पीटो हमें भी फिर पीटो हमें लिटा लिटा के मारो हमें मैं तो कहता हूँ और किसी दिन टाइम निकाल के हमको भी क्लीन बोल्ड कर ही दो ध्यान से देखिए फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन टेलीविजन सिद्धू जी फ्लर्टिंग शरेआम और अगर क्लीन बोल्ड नहीं होता तो स्टंप ही कर दो पाजी अब तेरी लाइनें खत्म हो गई है गुरु मुझे ये हो रहा कि अगर ये काम आपने करना शुरू कर दिया तो मैं कहां जाऊंगा इसे दरगाह पे जाके बैठ जाऊं मैं भगवान का नाम ले लूं जाके ये हमारी दोस्त है ये जो कपिल शर्मा शो है ना अनादि काल तक चलेगा गुरु अनादि काल तक वरुण एक बात बताइए हाँ जी भाई फिल्म के एक सीन में आप उल्टे होके किस करने की कोशिश कर रहे हैं जो काम सीधे सीधे हो सकता है उल्टा क्यों कर रहे हो आप एक्चुअली क्या है ना बहुत लोगों ने नहीं किसी ना किसी ने जैकलिन को सीधा किस किया होगा तो मैंने सोचा कि उल्टा कभी नहीं किसी ने किस किया तो मैंने बोला कि वो नजारा कैसे रहेगा तो ट्राई किया चलो अभी यहाँ नहीं करना और इनके होंठ ना जब उल्टे आप देखते हो तो अलग ही दिखते हैं आप विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे नहीं नहीं यार पूरी फिल्म में वरुण सब कुछ उल्टा ही करता है वो अच्छा उसका कैरेक्टर ही वैसा है मुझे लगता है इस बार की लिबर्टी तो नहीं रहा कि भाई की फिल्म है नहीं 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 सर मैं ग्रांटेड पे नहीं ले रहा हूँ ग्रांटेड नहीं ले रहा हूँ जैकलिन एक्चुअली अपने होठों के साथ एक बहुत अच्छी चीज करती है आप दिखाओगे नेशनल टेलीविजन पे टैलेंट यू कैन डू इट कम ऑन यू कैन डू इट फाइंडिंग नीमो
आप करके देखो। मैं आप करती हूँ, फिश लगती हूँ, मैं चिंपैंजी लगूंगा। मेरा दिल कर रहा था कैंडल जला के ना, तो बाकी लाइटें ना बिल्कुल डिम कर दूं, अपने गाने वाने सुनूं। ब्यूटी से तो मेरा मतलब आप जानते, मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। वाकई शर्मा जी, हम दोनों भी है यहाँ पे ना। अरे तो भाई हो, भाई हो तो मतलब। अच्छा बाजी, वरुण ना फ्लर्ट कर रहा है जैकलीन के साथ, हाँ, लेकिन ज्यादातर सीन में दिखाई दे रहा है जॉन के साथ। अच्छा, तो आपकी केमिस्ट्री जॉन के साथ ज्यादा अच्छी है कि जैकलीन के साथ? Why are you looking at me like this? नहीं, बोल दो। दोनों मुझे seductive looks दे रहे हैं। एक जैकलीन ऐसे और जॉन। I think definitely जैकलीन में जो बात है वो जॉन में नहीं है। पर जॉन के 8 abs है, तो वो abs भी बहुत solid है। But definitely जॉन और मेरे बीच में एक brotherhood है। जी। एक भाईचारा है। And I think that comes first always for me. शाबाश, एक दिन ये लड़का नेता बनेगा। पाजी, जॉन का और चड्डी का बड़ा पुराना रिश्ता है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। आओ, फिल्म दोस्ताना में जॉन ने एक पीले रंग की चड्डी पहनी थी। अच्छा, फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के बारे में इतनी डिस्कशन नहीं हुई लड़कों में जितना जॉन की चड्डी को लेके हुई। इस बार फिर जॉन ने चड्डी पहनी हुई है। मैं फोटो दिखाता हूँ यहाँ पे, अपने पास है फोटोग्राफ। वो जॉन और वरुण दोनों, वरुण को भी बिगाड़ दिया जॉन ने। हाँ? दिखाएंगे प्लीज। चड्डी है ना, मे भी सेंसर ने पास ना किया हो। लॉस कहाँ, चड्डी भी लॉस। व्हाट, तो फिर रह क्या गया? बहुत कुछ। इतना बार बार क्यों प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, मैं अलग अलग कलर दिखा रहा हूँ सबको कि मैं क्या क्या पहनता हूँ अंदर। वो पहले येलो, उसके बाद अभी ऑरेंज, तो फ्यूचर में कुछ और। फ्यूचर में अगर पैसे ना हो तो कुछ नहीं। अच्छा, ये हम सब ने सुना था कि जॉन के पास सिर्फ 2 जीन्स हैं और ये जीन्स बहुत कम पहन, 2 ही जीन्स हैं ना आपके वार्डरोब में? जी जी, मेरे वार्डरोब में सिर्फ इतने कपड़े जितने एक सूटकेस में फिट होते हैं, उससे ज्यादा मैं सबको दे देता हूँ। एक सूटकेस में भी क्या, 2? इतने तो टिफिन में हो जाते ना। ऐसा क्यों जॉन, आप मतलब 2 जीन्स, 4 चप्पल और बस। और चड्डियाँ कितनी हैं? 12 कलर की चड्डियाँ हैं। 12 कलर की चड्डियाँ हैं। हर महीने चेंज करते हैं आप? हर महीने में चेंज करते। जॉन, आई एम मिसिंग यू। आई थिंक आप आके हमारे साथ बैठिए। यस, कम ऑन। फोटो में तो साथ में थे, अभी अलग अलग क्योंकि जैकलीन तो जैकलीन का सारा कॉन्सेंट्रेशन तो वहीं पर है। हाँ जैकलीन, बहुत रंग बदलू, गिरगिट, कीप इट अप। इनकी बातों में ना इनकी they're actually jealous. इनकी आती साल में 3-6-4-5 फिल्में, मेरा तो हर हफ्ते चलता है। अच्छा जॉन, ये जब वरुण को पहले बोला गया कि आपने भी चड्डी पहननी है, तो ये शर्माया तो नहीं था? नहीं, उसने बोला कि ब्रो उसका लेंथ क्या होना चाहिए, और खड़े होके वो बैलेंस कर रहा था, बोल रहा था ब्रो कैसे दिख रहा हूँ मैं, हाउ एम आई लुकिंग ब्रो। और उसका जो भाई है वो तो डायरेक्टर था जी, सिंह भैया, भैया हाउस माय चड्डी, भैया भैया। तो मैं वरुण की चड्डी को एडजस्ट कर रहा था कंटिन्यूअसली। और मैं, क्योंकि मैंने भी किया है, बट ऑब्वियसली आई वांट शॉर्ट्स, चड्डी में कभी नहीं किया मैंने। तो आई वाज जस्ट वरिड कि क्योंकि मेरे किड्स लाइक मी अ लॉट, तो वल्गर ना लगे। तो बच्चे तो सारा दिन नंगे घूमते उल्टा। बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वही मुझे भी, जो माए है वो मुझे भी बच्चे की तरह ही देखते हैं, तो लोगों को ऐसा नहीं लगे कि बच्चा बड़ा हो गया है कुछ, मतलब यू नो। शुडंट लुक, अरे वरुण वरुण टेंशन मत लेना, मैं खड़ा हूँ साइड में, तू बच्चा ही दिखेगा। बच्चे होते हैं मन के सच्चे। सीरियसली जॉन, इतना आई एम पूरा बॉडी बिल्डर था, और ने भी बॉडी बड़ी अच्छी बनाई है, पर वैसे साइज में बड़ा फर्क है ना। नहीं, लेकिन दोनों खड़े चाचा चौधरी साबू लग रहे हैं। अच्छा मुझे बात बताओ एक, जैकी आप दोनों में किसकी गर्लफ्रेंड बनी है फिल्म में? एक्चुअली रिवील नहीं कर सकते अभी, सस्पेंस है। जैकलीन बहुत मिस्टीरियस और शी इज अ ग्रे कैरेक्टर, मतलब आपको नहीं पता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तुम ग्रे करो, ब्लू करो, आई लव यू, बस कोई फर्क नहीं पड़ता हमें।
सर मेरी ऑडियंस भी मुझे यही बोलती है चड्डी के बारे में, ग्रे करो ब्लू करो आई लव यू बस. ये तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मैं तो खुद सोच रहा हूँ एक एपिसोड चड्डी में करते हैं सर. तुझे नहीं जचेगी. आपने मुझे कब देखा चड्डी में जो आपको पता. मैं इस फिल्म में जैकलीन को एक बीमारी हो जाती है क्लेप्टोमेनिया, जिसके तहत ये ना चाहते हुए भी चीजें चुराती हैं. तो इज इट द रीजन यू हैव स्टॉल माय हार्ट जैकी. ऑलवेज. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जैकी. देख मेरी मम्मी, यू रिमेम्बर लास्ट ईयर? यस यस. शी केम टू वॉच योर शो स्पेशली दिस टाइम. वो फिर मेरी मम्मी कहती है आज फिर आ रही है. उनसे नाम नहीं लिया जाता जैकलीन. मिक्स कर देती है. जैकलीन की क्लीन आ रही. मैं कहा हाँ जी आंटी, सच सच बताओ किसके लिए आए हो आप? मुंडे ने देखने आए या कुड़ी नु? जैकी के लिए. जैकी को. ये जैकी श्रॉफ के भी एपिसोड में सेम कहा था आपने, जैकी को देखने आए हो. मम्मी बस ऐसे लगे रहे ना हम माँ बेटा, एक दिन पटा लेना हमने. शाबाश मम्मी, वेरी गुड. कपिल क्या बोल रहे थे आप? मम्मी लड़का तुम्हारी बहू को छेड़ रहा है. जैकी फिल्म में आपको क्लेप्टोमेनिया की बीमारी है तो आप चीजें चुराते हो. वैसे असल में आप इतना ट्रेवल करते हो होटल वगैरह में, कभी छोटे साबुन चुराए वहां से ऐसे ही? हमेशा. भाई तूने ये क्यों पूछा? मैंने कभी नहीं किया. मेरे घर में जो छोटे छोटे साबुन है वो मैंने खरीदे हैं. पर मैं आज कन्फेस करना चाहता हूँ. मैंने एक बार ना, मैं तब पंजाब में था, मैं किसी सिंगर के साथ शो पे गया. वहां पे मैंने पहली बार आदम कद तौलिया देखा था. ऐसे मतलब जितना मेरा साइज है इतना ही तौलिया. मुझे बड़ा मजा आया देख के भाजी. मैंने फिर तय लगा के ले लिया, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे तौलिए थे. आप पीठ नहीं साफ होती थी, या तो यहां से घुमा के लाओ या तो ऐसे ऐसे करो. ऐसे नहीं होता था, ऐसे नहीं होता था. तो मैंने वो लिया भाजी. मैं ना 10 मिनट में नहाता था, 25 मिनट पहुंचता रहता था उससे. बड़ा मजा आता है उस तौलिए के साथ. मैं मतलब कभी कभी ऐसे कर लेता हूँ. नहीं मुझे होटल का नाम याद नहीं, बट मैं पर कोई बात नहीं, सॉरी फील नहीं करनी. आपने भी खाना बड़ा महंगा लगाया था. ये गल बड़ी सही की आपने, क्योंकि ये सब लोग करते हैं. स्पेशली आई मीन आई हैव सीन इन माय चाइल्डहुड कि हम लोग जब भार्गव शूटिंग जाते थे पापा के साथ, तो ऑरलैंडो में रहते, तो मेरी मॉम ये एक्चुअली करती थी. जो छोटे छोटे मॉइस्चराइजर्स है जो नहीं है, सॉरी सॉरी मॉम सॉरी, बट शी वुड डू इट. और नेचुरल है, बहुत लोग करते हैं. आप लोग भी करते हो गए आई थिंक. जॉन आपने किया कभी? करते हैं. हाँ? करते हैं ना अंकल, बड़े खुश हो रहे हैं. बहुत माल ढापा है अंकल. ये मेरी मम्मी भी करती है आंटी. ठीक है, तो घूमने गए थे, बीवी भी कहीं की किसी की लेके. सॉरी सॉरी मजाक कर रहा हूँ. पर जॉन आपने कभी ऐसे होटल में किया? कई बार ऐसी चीज पसंद आ जाती है यार. जॉन ने क्या क्या किया है होटल में जॉन, बताओ लोगों को. पर जॉन तो एक्चुअली ना दो छोटे साबुन उठा के उनका एक बनाता हो ना. बॉडी इतनी बड़ी है, एक ही बाजू पे साबुन खत्म. जॉन कभी आपने ऐसा किया, टूथपेस्ट खत्म हो गई हो उसके ऊपर अंगूठा डाल के चिकर के ऐसे किया कभी? नहीं, इतनी बॉडी बनाने का क्या फायदा. हमारे करते थे वो फोल्ड करके, पेस्ट खत्म हो जाती ना उसको लिटा के ना पेस्ट को. हाँ सारा पता है मेरी माँ. ऊपर बेलना, सबको बता. देखो सब करते हैं. नहीं, मैं वो फोल्ड करके टेक्निक करता हूँ उसको, ऐसा ऐसा घड़ी घड़ी करके एंड देन ऐसे करके वो सब. लेकिन आंटी आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब भी मैं कसरत करता हूँ ना, कसरत के बाद वो बेलन जो होता है उसको लेके वो मसाज वाला मेरे पीठ के ऊपर बेलन लगाता है वो, क्योंकि उसके हाथ काफी नहीं होते मेरे लिए, तो वो बेलन लगाते हैं, नहीं तो वो पीठ पे खड़े होके वो चलता है वो. यू सेड दैट आई गिव द बेस्ट मसाजेस. हाँ, वरुण बहुत अच्छा मसाज देता है. वरुण? हाँ, क्योंकि जब भी मैं अकेले रूम में रहता हूँ वरुण और शाम को प्यार से वरुण आता है ऑरेंज चड्डी में. भैया भैया मैं जॉन को मसाज दूँ. रोहित धवन जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, उन्होंने इसी कंडीशन पे जॉन को कास्ट किया था. भाई देख रोल भी बहुत अच्छा है और शाम को ना ये वरुण मसाज भी देगा आपको. तो दोनों भाइयों ने प्रोडक्शन में कॉस्ट थोड़ी ये कटिंग की है.
पर इसका मतलब ये सब बड़े बड़े फिल्म स्टार ये सब कर चुके होते हैं बेसिकली पेस्ट वेस्ट और ये सब. पर मुझे जान के खुशी हुई कि मैं अकेला नहीं हूँ दुनिया में, सब हम सब एक हैं. भारत श्रीलंका के प्यार के लिए बहुत बहुत तालियां. ये श्रीलंका से है ही नहीं पहले तो. अच्छा, ये झूठ है. पैदा हुई थी कहाँ? वे वर यू बॉर्न? श्रीलंका ना. बहरीन. बहरीन, बहरीन में पैदा हुई थी. अच्छा. उसके बाद वेयर डिड यू डू योर स्कूलिंग? बहरीन एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया से हु वाज इन मलेशिया? माय मदर. इसकी मम्मी मलेशिया से. अच्छा, फिर श्रीलंका से कैसी हुई तुम? समर हॉलिडे में. ये जब तो आपके पापा श्रीलंका से. श्रीलंका. पापा श्रीलंका से हैं. हाँ. तो आपकी मामा मलेशिया से हैं, तो फिर वो अच्छा लव मैरिज होगी उनकी ना? हाँ बिल्कुल. ऐसी बेटी लव मैरिज से होती है, अरेंज मैरिज से फिर ऐसे चेहरे होते हैं. नहीं कपिल, आप प्रॉपरली पूछो. सी वी आर प्लेइंग, हम लोग पुलिस ऑफिसर प्ले कर रहे हैं फिल्म. जी. और आपका जो परिवार है वो पुलिस से ही है ना? जी जी. तो आप मतलब हाउ वुड अ पुलिसमैन इन्वेस्टिगेट? वो आप इधर आके आप पूछो पुलिसमैन की. टेल मी व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय यू वांट एज अ हस्बैंड. अरे यार थोड़ी क्या बोल रहा है. जब हाउ वुड अ कॉप इन्वेस्टिगेट, जब पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो वो कैसे करता है? अंदर में वो जगह हो, ज्वालामुखी जगह हो, जगह हुआ बताना नहीं किसी को. अच्छा भाजी, लोग ना बड़ी मेहनत करके मुशक्कत करके एक छोटा सा घर अपने लिए लेते हैं. जैकलीन ने एक आइलैंड खरीदा है अभी हाल ही में. जैकलीन कांग्रेचुलेशंस. आइलैंड? हाँ, हमने तो न्यूज में ही सुना है. हमें भी पता नहीं था. नहीं, जैकलीन कहाँ पे लिया आपने आइलैंड? श्रीलंका में. श्रीलंका में. तो आइलैंड किसके लिए? अपने और मेरे लिए लिया है. रोमांटिक गेटअवे. भगवान जब मेहरबान होता ना हर तरफ से होता है. साबुन मत चुराना. साबुन लो. मैं केयर टेकर ही मैंने होना है उस आइलैंड का. मुझे रख लो जैकलीन केयर टेकर. सीरियसली, आई एम अ वेरी गुड केयर टेकर. ठीक है, एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड चाहिए. ठीक है. लव लेटर? लव लेटर? अरे कागज नहीं, पत्थर पढ़. तुम्हारी याद में सूख के एकदम लौकी हो गई हूँ. तुम्हारे बिना ये हॉट जवानी कट नहीं रही है. आ जाओ वरना ऐसे बहुत सारे पत्थर है, तुम्हारे मुंह पे मारूंगी मैं. हाँ. अरे यार वरुण, अरे मेरी नानी ने फेंका होगा. बट क्या लिखा ये? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और थोड़ी सी प्रदीप हलवाई की भी. पुष्पा. अरे यार वो ना मेरी नानी का दिमाग खराब होगा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो. नाना कई सालों से गायब है ना, थोड़ा दिल पे ले गई वो. अरे कोई भी आता है तो लेटर फेंकती है. कपिल, मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता है. मैं बन जाता हूँ नाना. तो नाना मेरा मेरे से छोटा नहीं था ना? अरे तो मैं बुढ़े के गेटअप में बन जाता ना, एक विग और शॉल मंगवाओ. वो तो है मेरे पास, मैं रखता हूँ. मैं कभी कभी खुद ही बन जाता हूँ. अच्छा ये लो, ये लो फटाफट. अच्छा रखे हैं तुमने सब कुछ? नाना मेरा फुटबॉल खेलता था फ्रांस में. बहुत अच्छा है. चलो 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 चलो. नानी, नाना जी आ गए. कैसे हो मेरे प्राणनाथ? कैसे हो? तेरे प्राणनाथ ये नहीं है ये जॉन ब्राह्मण. नीचे रुक, नीचे रुक. बंदे पैसे चढ़ता कोई क्या? ये जॉन है, ये नाना नहीं है. ये माफ करना, वो दरअसल जब कप्पू के नाना घर से भागे थे तो जवानी की गोलियां खाते थे वो. मुझे लगा कि दवाई असर कर गई. एंड हाउ कप्पू, तेरा नाना भी लड़की बन के आ गया यहाँ. अरे ये नाना इधर खड़े हैं. सॉरी कप्पू, दवाई का कुछ गलत असर हो गया. ये क्या है? ये क्या? इतनी रातों तक कहाँ थे आप? इतने दिनों तक कहाँ थे पूछो बेशरम नानी. दिनों को मैं बिजी रहती हूँ ना, रातों को तो इनकी याद आती है मुझे. बोलिए. ओए आपको मेरी कभी याद नहीं आई? ओए बड़ी याद आई थी तेरी. हाँ? स्पेशली रातों को जब मच्छर मुझे काटते थे. आओ आओ.
और काटने के बाद तेरी बड़ी याद आती थी कि काश तू होती तो अपने मुंह से लपक के मच्छर को पकड़ लेती। फिर जब मैं वो कीचड़ देखता था रेनी सीजन में तो फिर से तेरी बड़ी याद आती थी क्योंकि तू अपनी ये रोली फोली फिगर लेके जो कीचड़ में रोल करती थी और फोल करती थी तो बड़ी याद आती थी क्यूटी पाई। कपू बातों से तो ये तेरे नाना ही लगते हैं लेकिन शक्ल कुछ अजीब अजीब सी लग रही है इनकी। अरे इतने सालों बाद आए ना तो 19-20 तो हो ही जाता है। 19-20 ये तो 16 और 22 लग रहा है मुझे। नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है। अच्छा अगर आप मेरे पति है तो सच सच बताओ हनीमून पर हम कहाँ गए थे? सारी दुनिया को बता तुम लोग गोवा गए थे। उन्हें कैसे पता? क्यों शादी की कार्ड पर हनीमून का लोकेशन छपा था क्या? अरे तुम लोगों की खबर नहीं आई थी नव विवाहित जोड़ा अंग्रेजों के कपड़े उठाता पकड़ा गया बीच में। कमबख्त मारे जो स्कैंडल लोगों को भूल गए थे वो लोग, याद दिला दे उन लोगों को तू। ठीक है इनसे मैं वो सवाल पूछती हूँ जो सिर्फ मैं और कप्पू के नाना जानते थे। पूछ। सच्ची मुच्ची ओके। सच्ची सच्ची बताओ सुहागरात पे क्या हुआ था? सुहागरात में तो वही होता है जो हमेशा होता है। वही तो हुआ होगा ना, कैच एंड कुक, हाइड एंड सीक, लवी डवी, लवी लंगड़ी, लवी डवी, लवी डवी, बहुत सारे ऐसे चीजें किए थे ना हमने। नहीं सुहागरात में तो मुझे लूज मोशन हो गया था। देखो मेरे प्राण नाथ, राजेंद्र नाथ, किशन नाथ, जो घूंघट उठाई की रस्म अधूरी रह गई थी, आओ। मेरी अरुणा ईरानी, कपिल आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं चलो उठो कोई बात नहीं। नानी सॉरी सॉरी कहीं का तेरे चक्कर में बेचारा जॉन मेरे हाथ से निकल गया। नहीं वो तो अभी भी है ले लो। अरे नहीं सही वक्त में मुझे मिल गया होता तो आज हमारे जानी और जनादन यहाँ घूम रहे होते। कपिल व्हाई डिड यू मेक मी डू दिस? दिल तोड़ दिया। किसी एक औरत के साथ ऐसा बद्दा मजाक कभी मत करना। तुम कौन सा असली हो? अच्छा ठीक है नानी। चलो नाना इकट्ठा करो और फटाफट निकलो। चलो ये लो। सॉरी नानी बट हम बाद में मिलेंगे। कोई बात नहीं। अच्छा भाई इनकी फिल्म में बहुत सारी ऐसी चीजें आप देख के हैरान हो जाओगे। एक हेलीकॉप्टर में जॉन और वरुण उड़ते हुए बाहर लटक के आ रहे हैं, सारा हेलीकॉप्टर अंदर खाली है। फिर आप अंदर बैठ जाओ, बाहर बाहर क्यों लटक रहे हैं दोनों? वो रास्ता दिखाने के लिए ना कि मतलब इधर चलो राइट राइट चलो लेफ्ट चलो, उसको कैसा पता चलेगा? वो ऑटो वाला था पहले जो पायलट था, वो ऑटो वाला था तो उसको चाहिए कि अरे भाओ थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट भाओ। तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर ने इतना पैसा खर्च किया तो अंदर क्यों बैठे? दिखना तो बाहर लटकना चाहिए ना, हम लोग हीरो हैं। और जिस तरह से जॉन लटका ना हेलीकॉप्टर टेढ़ा हुआ पड़ा है। पर बहुत कमाल का ट्रेलर लग रहा है यार, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जॉन आपका किरदार वैसे फिल्म में क्या है, प्रॉपर क्या कर रहे हैं आप? फिल्म में मेरा नाम कबीर शेरगिल है जी, और मैं एक नो नॉनसेंस पुलिस ऑफिसर हूँ। लेकिन स्टार्ट में एक हादसा हुआ है मेरे साथ, माय गर्लफ्रेंड डम्प्स मी। अच्छा तो मुझे छोड़ के वो जाती है तो मेरा मूड बहुत खराब रहता है उसके बाद। होता है खराब। और मैं और मैं मिशन पे जाता हूँ और मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए मेरे साथ जो मेरी हर बात सुने। अच्छा और वो लड़का मुझे मिल जाता है लेकिन वो सब कुछ उल्टा करता है। ओके वो वरुण है, जुनैद अंसारी, जो एक इमराती पुलिस कॉप है। क्या हो रहा है सब यहाँ पे? मोहब्बत हो रही है, देख नहीं रहा क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या शर्म नहीं आती आपको? हमेशा मार खाते रहते हो आप। खाने में शर्म नहीं आती कभी भी, स्वेलिंग आती है और वो मेरे को आई हुई है बहुत ज्यादा। व्हाट अ लवली डे, नाइस, सॉरी दिस इज द हिंड्रेंस, लेट मी गेट आउट ऑफ दिस। इसका हुक तोड़ दिया वरना मैं इसको ऊपर कर लेता। हाय वरुण, जैकलिन एंड जॉन, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, एमडी। एमडी मतलब क्या?
मशहूर डॉक्टर एंड आई मस्ट टेल यू खड़े क्यों आप बैठिए ना इधर आइए एक मिनट बैठते ही सारे बैठे बाल खींच लो ये मत खींचो क्योंकि ये खींचोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जानी मैंने इसके नीचे कोई वेयर नहीं होता आपका ये ब्लॉन्ड है मूछ एंड बाल ग्रे है ऐसा क्यों क्यों ब्लॉन्ड नहीं ग्रे ये भी ग्रे हो जाता ना फिर नहीं नहीं एक्चुअली इनकी माता जी जो थी वो यूरोप से थी पिताजी वैसे ही बूढ़े थे और ये हमारे फैमिली पंडित हैं ये आते रहते हैं इनको सब पता है मेरे माता जी कहाँ हैं पिताजी कहाँ हैं आई मस्ट से आई एम ए फैन फॉर द ऑल द क्लास ऑफ द डिशुम अच्छा आपको पिक्चर का ट्रेलर अच्छा लगा आपकी डिशुम का ट्रेलर तो अब आया ये तो डिशुम डिशुम को कब से प्रमोट कर रहे हैं इनके रोज ही होती है देखा नहीं आपने ट्रेलर यहाँ पे नहीं नहीं ये कहने की बात है डिशुम जब लोग मारते हैं ना पिक्चरों में तब डिशुम की आवाज़ आती है पर्सनली जब कोई मारता है तब सपैत की आवाज़ आती है यार ये फिल्मों में दिखावा है वो आपने कभी जॉन से मार नहीं खाया ना तो फिर बिल्कुल डिशुम वाला ही आवाज़ आता है बट आई डोंट थिंक जॉन हमारे पास कभी आएंगे बट या जॉन आई वुड लाइक टू डू अ टेस्ट विद यू या बिकॉज यू आर अ जेंटलमैन एंड आप हंसते रहते हैं बॉडी वॉडी बनाते रहते हैं मसल का ध्यान रखते हैं आप बट यू आर इग्नोरिंग योर टीथ अब टीथ पे कोई डंबल नहीं होता है तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है सो आई बिलीव ये सब ठीक है जो है बट टीथ में सम प्रॉब्लम कैन बी देयर नो नॉट दिस आई विल चेक आई एम द डॉक्टर डोंट एक्सप्लेन ओके ये कौन डॉक्टर लेके आता है ऐसे बाल्टी मैं लेके आता हूँ कौन कहा तुम्हारे सामने मैं ही लेके आ रहा हूँ फिर तुम कैसा सवाल पूछ रहे हो यार कौन लेके आता है इलॉजिकल क्वेश्चन What a low intellectual people I am living with. You know? Show me your teeth. Stethoscope से कौन देखता है दांत? मैं देख रहा हूँ यार फिर तो कोई सवाल पूछ रहे हो? Yeah, I'm doing the tooth test. इसको खोलिए tooth से. Nice. एक्चुअली मैंने ना टेस्ट नहीं करना था मेरा ओपनर गुम हो गया था खुल नहीं रहा था मैं तो मेरे को ये पीना था मैंने स्ट्रॉ नहीं है ना लेकिन तो टेढ़ी करके पी लो स्ट्रॉ नहीं है तो ऐसे टेढ़ी करके हाँ यार ये तो मेरे कभी दिमाग में नहीं आया थैंक यू मिस्टर शर्मा दिस इज द फर्स्ट टाइम यू डिड एन इंटेलिजेंट थिंग आई मस्ट रिकॉग्नाइज दैट John, I want to ask you something. जी जी जैसे हमारे ना एक मेरे दिल में एक सवाल है कि जैसे हमारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है मैं उसका अगर मतलब कह लो कि उसको मान लो ब्लड की जरूरत होती है हमारे हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को तो उसका कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता पर ऑपरेशन एक बार जरा सा गलत हो जाए तो 250 रिश्तेदार मारने के लिए कहाँ से आ जाते हैं मेरे को पता नहीं चलता दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड बट यू वॉन्ट टू थैंक मी Why? मैंने आपकी पिक्चर का इतना प्रमोशन किया जैसा कपू ने कहा कि डिशुम डिशुम मैं करता रहता हूँ सो मैं चाहता हूँ कि आप का मैं भी थैंक यू कर सकूँ मेरा 50-50 हॉस्पिटल है आपने गाना बनाया है बड़ा अच्छा फिल्म में 100 तरह के रोग लेके वगैरह एंड इट फिट्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ माई हॉस्पिटल सो कैन वी जस्ट एडवर्टाइज जैकलिन इफ यू डोंट माइंड आपके पेशेंट क्यों नाच रहे हैं साथ में बताइए आपको किसने कहा मरीजों के साथ नचाने को किसने कहा आपको ऐसे कौन पूछता है भाई प्लीज प्ले द सॉन्ग कंट्रोल करो हम लोग पुलिस ऑफर बने हैं पिक्चर में तो अरेस्ट कर लेना डांस तो कर लेना जॉन देखो इसको कपिल व्हाट इज दिस मेरा पैन रह गया था बाय बाय डॉक्टर तू बड़ा हाई बोल रही है बैठ जा पाजी इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे बिगनिंग में आई आपके साथ फिर किया फ्लर्ट सिद्धू पाजी के साथ अब डॉक्टर के साथ वो भी जो इतना बुड्ढा है मैं सिर्फ नाच रही थी फिर जैकी तो फिर भी कितनी क्यूट लग रही थी ना बिल्ली जैसी लग रही थी डॉक्टर सुअर लग रहा था कीचड़ में लेट रहा कैसे
हाय वरुण धवन. हाय हाउ आर यू. हाय जॉन. हाय इब्राहिम. इतना बड़ा शरीर है एक हाय में समाता ही नहीं है. वैसे जैकलिन मैं आपको बता रही थी आपने वो क्या मशहूर गुलाटी डॉक्टर के साथ ऐसा क्या डांस कर लिया. अंदर सबसे कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारी भाभी के साथ डांस करके आया हूँ, तुम्हारी भाभी के साथ डांस करके आया हूँ. मैंने भी उनसे कह दिया ये ठीक नहीं है, हमारे चीफ मिनिस्टर के रिलेटिव के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते आप. कौन चीफ मिनिस्टर की रिलेटिव? ये जैकलिन फडनवीस. ये जैकलिन फर्नांडिस है. ओके 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 सॉरी. लेकिन आप कुछ कीजिए क्योंकि मुझे पता नहीं जिस तरह ये बिहेव कर रहे हैं ना मशहूर गुलाटी, बहुत सून आप जैकलिन गुलाटी भी हो सकती हैं. वो ऐसा ही है जैकी, मैंने बोला था वो सिगरेट से भी नीचे आदमी है वो. चलो बेरिसी. बेरिसी ही. आप स्ट्रीट जाइए, यहाँ से ऐसे राइट लीजिए, वहाँ पे एक स्ट्रेचर है, उसके नीचे वो स्ट्रेच हो रहे हैं. ब्रेक हिज हेड जैकी. यार दे दे, छोड़ना मत उन्हें. वैसे आप लोगों को बता दूं कि मैंने जैकलिन को जानबूझ के अंदर भेजा है. क्यों? ताकि आप दोनों का सारा ध्यान अब सिर्फ मेरे हुस्न पे ही केंद्रित रहे. वैसे भी आप इतनी बड़ी है कि हमारा जो ध्यान है आप पे ही है. That's so sweet. No, I mean कि you know what I mean. इनका कहने का मतलब कि एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं उनको सबसे पहली चीज आप ही दिखाई देती हैं. वैसे देखिए आपकी फिल्म का नाम है डिशूम. करेक्ट. ओके. अब ऐसी फिल्म में आपने ऐसी नाजुक लड़की को क्यों लिया है? नहीं मैं खाली कह रही हूँ कि मेरे हिसाब से आपकी फिल्म में ऐसी लड़की होनी चाहिए जैसी इस वक्त आपके सामने खड़ी है. शट अप, बदतमीजी कर रही है यहाँ पे आके. वैसे जॉन जी. जी. मैंने सुना है कि आपने एक फिल्म में एक पूरी मोटरसाइकिल को उठा लिया. जी. और मेरे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि एक्चुअली वो कंप्यूटर ग्राफिक्स था, आपने कुछ ऐसा किया नहीं था, ऐसा मेरे दोस्त कह रहे थे. सो आई थिंक हियर्स योर चांस. देखो अगर आप मुझे उठा पाए तो आज मिल्क का मिल्क वाटर का वाटर हो जाएगा. और अगर तुझे उठा के पटक दिया तो गोबर का गोबर हो जाएगा, उसका क्या? तो सारा आप कलेक्ट करके रख लीजिएगा, बफेलोस केयर टेकर. एक्चुअली वो फिल्म में मैंने सच में बाइक उठाया था. सच में? वो कंप्यूटर ग्राफिक नहीं था, लेकिन आप जो है आप ट्रक के बराबर है. तो नहीं बुरी बात नहीं है, तो मुझे मदद चाहिए होगा. कपिल का? नहीं नहीं आ जाओ. चलो चलो कबीर. ये दिस इज अ गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए. 1 2 3 अरे आई पुट माय हैंड. मैंने सच्ची में हाथ डाला था. अच्छा. ये आप लोग चीटिंग कर रहे हैं. नहीं नहीं एक और बार ट्राई करते. नहीं आपकी ख्वाहिश है कि नहीं है उठाने की? Are you okay? I'm good. Okay. Hey, Jacqueline. Sorry. Jacqueline. So sorry. Aye, aye, please. बैठिए बैठिए. वो थोड़ा. Not fair. बर्थडे आप दोनों ने बनाई हुई है. मारती आपकी हीरोइन ज्यादा है यार. टांग को ट्विस्ट कौन करता है बताओ मेरे को? मैं मानता हूँ आपको मेरे पेशेंट ने भाभी का ये तो नहीं बताया ना कि भैया मैं हूँ, ये तो ऐसी कोई बात नहीं थी ना. डॉक्टर साहब हमारे पिक्चर में गाना है और उसमें एक लाइन है किसी लड़की को छेड़ा तो डिशम. डिशम. सॉरी सॉरी मैंने तो जिंदगी में नहीं छेड़ना. ओए करेक्ट है. पर लड़की को इतना खूबसूरत भी तो नहीं होना चाहिए. खूबसूरत लड़की को भी नहीं छेड़ना चाहिए. आप मारती हैं वरना मैं तो आपके लिए जान भी दे दूं. थैंक यू डॉक्टर. एक बात कहूं? हाँ. मेरे को मजा भी आ रहा था मार खाने में आपको. जॉन एक बात बताइए मुझे,
जैकी आप भी, ये क्वेश्चन आप दोनों से है, क्या वरुण ने कभी फायदा उठाया कि डायरेक्टर जो है वो मेरा भाई है तो मैं 5 रीटेक दूंगा, किसी के 8 हो जाए तो हो जाए, ऐसा कभी फायदा उठाया मतलब इन्होंने? बिल्कुल नहीं. हाउ स्वीट. बिल्कुल नहीं. अरे मैंने सुना है रोहित भी यहाँ पे आने वाले थे, वो हैं किधर? फोन तो लगाओ जरा. सर मैंने भी सुना है, कोई हम लोग लगा सकते हैं फोन, अगर मुझे कोई फोन देगा तो वी शुड कॉल हिम. बज तो रहा है. नहीं बजेगा तो सही, असली फोन होगा उनके पास आई थिंक. नहीं बट वो उठाए तो सही, पहले पापा को फोन कर सकते हैं, वो शायद उठा ले. तो घर में मतलब आपका फोन उठाते नहीं है ज्यादा? मेरी वैल्यू ही नहीं है इन लोगों को. आप डैड को शिकायत कर दो, वो भी नहीं उठा रहे यार, ये बहुत गलत है. सेम ही घर में रहते हो ना आप? हाँ मैं. और मैं सगा बेटा हूँ, ऐसा नहीं कि स्टेप बेटा हूँ, मैं असली बेटा हूँ. क्या हो रहा है कपिल? मम्मी को ट्राई करूँ? नहीं रहने दो, कोई बात नहीं. उन्होंने भी ना उठाया तो फिर अपने पास कवर करने के लिए कुछ नहीं बचेगा. अभी तो फिर भी है कि शायद मम्मी उठा लेती. चलो गलत बात है. जॉन, जैकी, वरुण, यहाँ पे आपके फैंस बैठे हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं. जी एक एक करके आप अपनी बात पूछ सकते हैं. जी सबसे पहले कौन आ रहा है? जी मैडम. हेलो जॉन. हाय जॉन. हाँ हम सा. वो क्या हो गया? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. सब इकट्ठे जेल से छूट के आई आप सब? सभी इकट्ठे ही आए हैं. आप आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका सब पिक्चर देखा हुआ है. आज आप मेरा इच्छा पूरा हो गया आपको देख के. आपका एब्स, आपका बॉडी, आपका स्माइल. थैंक यू. आपका तो पिक्चर दोस्ताना पिक्चर में आपका जो रोल देख के हम लोग तो बेहोश हो गए सर. हमारा जैसा एज वाले को इतना कुछ कुछ होता है तो यंग लोग फिर. हमारा ये सब सहेली लोग भी आपका बहुत बड़ा फैन है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं आपसे. हाय जॉन, हाउ आर यू? गुड गुड. वी लव योर स्माइल्स, योर टेम्पल्स, योर कर्व्स, योर बाइसेप्स, योर एब्स एंड योर बाइक्स. पति को कोई नहीं लेके आया साथ में ना? पति नहीं आए ना साथ में? नहीं, हम लोग सब सहेलियाँ यहाँ पे बने हैं और वी आर ऑल फ्रेंड्स ऑफ जॉन अब्राहम और हम लोगों ने वी वॉन्ट टू डू सम मस्ती विद यू. पता है आज तो मैं नेकल लग रहा है, जॉन नू देख के सारी बुढ़िया नू जवानी चढ़ गई है. सो कैन ऑल दीज लेडीज जॉइन यू ऑन द स्टेज? कम कम कम. थैंक यू. जो जॉन से, जैकी से, वरुण से बात करना चाहते हैं. महेंद्र सर, देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार. धन्यवाद काले खान. ये महेंद्र है बाजी, मेरे स्टाफ में है. अच्छा, तो आज क्या प्यार भरा नमस्कार क्यों कर रहा है? सर हमारा पहला गाना भोजपुरी में लॉन्च हो रहा है, एक फिल्म के लिए है गाना. फिल्म का नाम है दुल्हन चाही पाकिस्तान से. दुल्हन चाही पाकिस्तान? जी हाँ. क्यों, इधर दुल्हने कम है? क्या है गाना? तो फिल्म में कैसे तुमने गाना गाया कि म्यूजिक दिया उसमें? सर नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे संतोष जी हैं. तो सर मैं चाहता हूँ मैं स्टेज पे आके उसके कुछ लाइन हम सर और मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे गाने पे परफॉर्म करें. इधर तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है? बड़ा साफ बन के नाच रहा था. गाना बनाया कभी? मेरा ध्यान रखने अपना ज्यादा रखता है. पर आई एम सो प्राउड ऑफ यू महेंद्र. वेरी नाइस सॉन्ग महेंद्र, वेरी गुड सॉन्ग. बहुत अच्छा आपका गाना, बहुत ज्यादा हिट हो. महेंद्र काफी सालों से मेरे साथ है, पर तूने कभी बताया नहीं किस समय लिखा था. जब तू बोलता था मेरे को घर पे जरूरी काम है, यही लिखने जाता था. देख के तुम्हारी फिगर डार्लिंग जैकलीन को बोल रहा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? बोलो सॉरी दीदी. सॉरी दीदी. थैंक यू मैम. थैंक यू. चलो भगवान करे तुम बहुत बड़े म्यूजिशियन बनो. थैंक यू कपिल सर. थैंक यू संतोष जी. एक गाना मुझे भी जैकली गाना है. और मेरे कोई दोस्त जो कुछ कहना चाहते हैं प्लीज. जी सर. हेलो एवरीवन. हेलो हेलो. जॉन आपने अपना एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें आपने चैलेंज लेने के लिए कहा था, तो मैं यहाँ पे वरुण, जैकलिन और जॉन तीनों को चैलेंज देना चाहता हूँ. वरुण सबसे पहले मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ, ताहिर शाह के आप बहुत बड़े फैन हैं और मैं चाहूँगा जो एंजल वाला उनका सॉन्ग है उसके गेटअप में आप अगर परफॉर्म कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा. वरुण कौन है ताहिर शाह?
ताहिर शाह एक सिंगर है पाकिस्तान में, इज अ सेंटली आदमी है वो और उन्होंने एक हाल ही में गाना गाया था एंजल, आप सबने सुना है शायद, आंटी को बहुत पसंद आएगा वो गाना, लेटेस्ट रिलीज एंजल। तो हाँ अच्छा, हमने नहीं सुना, हम ही रह गए बस। तो क्या चेंज करना पड़ेगा उसके लिए? ठीक है तो वरुण आप चेंज कर लें अपना जो भी गेटअप है। Woo! जी और क्या चैलेंज आपके पास? जॉन आपको मैं चैलेंज देना चाहता हूँ कि जो लगान में भुवन का गेटअप था उसमें आप डांस करके दिखा दे। एंड एनी स्वीट चैलेंज फॉर जैकी? जैकलिन आपने बहुत सुपरहिट गानों पे डांस करा हुआ है, हम चाहेंगे कि थोड़ा ओल्ड एक सॉन्ग पे जो है वो किसी गाने पे डांस कर दें। और कपिल सर प्लीज आप जैकलिन की हेल्प कर दें। बहुत ज्यादा बताओ करना क्या है। मोरे पिया गए रंगून, हैव यू हर्ड अबाउट दैट सॉन्ग? देयर इज अ लेडी हुज पिया, आई मीन हुज हस्बैंड वेंट टू रंगून फॉर वॉर, ओके, एंड शी इज बिजी किलिंग द फ्लाइज एंड ऑल, आई मीन She is missing her husband. Okay. So we can recreate that moment. John, मैं चाहूँगा कि भुवन वाले गेटअप में आप प्लीज एक डांस परफॉर्म कर दें। अगर किसी को मुझे धोती पहनाना आता है तो पहना दो, और वो सैराट का जो जिंगाट है उस पर 30 सेकेंड के लिए मैं नाचूंगा। अच्छा इतनी तेज तो फिल्म में भी नहीं नाचे वो। Too good, too good. एक बार जॉन और जैकी के जोरदार तालियां। ओए वरुण ऐसा लगा चुड़ैल पागल होकर नाच रही है। एक बार वरुण जैकी और जॉन अब्राहम के लिए जोरदार तालियां। भाई बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। टू गुड यार, टू गुड। मैंने जॉन को पहली बार देखा धोती वोती में नाचते हुए, इतना बॉडी बिल्डर आदमी धोती पहन के कितनी तेज नाच रहा था। और मैं ये बाल रोज लेके घूमता हूँ। वरुण बीच में मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। सर उसका स्पिरिट आ गया मुझ में। नहीं नहीं मैंने प्रोडक्शन वालों को बोल दिया दो तांत्रिक बुलाओ, बाल खींच के नाच रहा है, बट सुपर्ब। जैकी जॉन वरुण बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, एक दूसरे से प्यार करें, खुशियां बांटें और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates